आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना से हलाकतों के सिलसिले पर लगा ब्रेक, 951 मरीज हुए सेहतियाब, वेजापुर भी आया वबा की लपेट में। राबता वजीर सुभाष देसाई ने कहा, लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ निकालना बेहद जरूरी, शहर के वार्डों में स्क्रीनिंग कैंप लगाने की दी हिदायत। लॉकडाउन की वजह से फिजाई आलूदगी में आई कमी, गर्मी से जल्द मिलेगी नजात, आइंदा दो दिनों में हो सकती है जबरदस्त बारिश। और कर्फ्यू के खिलाफ वर्दी करने वालों से वसूल किया गया 2,26,00,000 रुपए जुर्माना। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा में हलाकतों की वजह से औरंगाबाद शहर रेड जोन में डाला गया है। अब तक शहर में कोरोना से 68 अफराद की मौत हुई है, लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों से शहर में कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। साथ ही इस मर्ज के शिकंजे को तोड़ने वाले मरीजों की तादाद अब 951 हो चुकी है और शहर के अस्पतालों में अब सिर्फ 497 मरीजों का इलाज जारी है, जिसमें 450 से जायद मरीज सेहतमंद बताए जाते हैं। औरंगाबाद शहर में 12 मार्च को कोरोना की पहली मरीजा पाई गई थी, अब ये तादाद 1500 को पार कर चुकी है। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि इनमें से 951 मरीज इस खौफनाक वबा के शिकंजे को तोड़ने में कामयाब भी हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब घाटी अस्पताल, मिनी घाटी, कोविड सेंटर्स और निजी अस्पतालों में कोरोना के 497 मरीज जेरे इलाज। राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान घाटी अस्पताल से कोरोना के एक भी मरीज की मौत की खबर नहीं आई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27 हो चुकी थी और अब तक इस वबा से मरने वालों की तादाद 68 तक पहुंच चुकी थी। घाटी अस्पताल में कोरोना के ऐसे मरीजों का इलाज जारी है जो उम्र रसीदा है, साथ ही मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी है और उनकी हालत तशवीशनाक होती है। आज घाटी अस्पताल से 2, मिनी घाटी से 10 और कोविड सेंटर से 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि आज ही शहर में 46 नए मरीज पाए गए हैं। तशवीश की बात यह है कि जिले में अब तक सबसे महफूज ताल्लुक है वेजापुर में भी पहली बार कोरोना के 2 मरीज पाए गए हैं और ये ताल्लुका भी अब कोरोना की लपेट में आ चुका है। इससे पहले सिल्लोड, खुल्लाबाद, कन्नड़ और गंगापुर में कोरोना के मरीज पाए गए थे। औरंगाबाद शहर को जल्द ही रेड जोन से बाहर निकालने के लिए जंगी पैमाने पर इकदाम की जरूरत है। जिले के देही इलाकों के तर्ज पर शहर के हर वार्ड में कोरोना स्क्रीनिंग कैंप कायम किए जाए ताकि लोगों के दिलों से इस वबा का डर व खौफ निकाला जा सके। ये बात आज राबते वजीर सुभाष देसाई ने कही। देसाई ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्कदा मीटिंग में औरंगाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाए गए इकदाम और कायमों का जायजा लिया और साथ ही मुनासिब हिदायत जारी की। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्कदा आला सतही मीटिंग में आज राबता वजीर सुभाष देसाई ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद के तहत शहर में जारी इकदाम और कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों से कोरोना का डर और खौफ निकालना बेहद जरूरी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर हर वार्ड में जहां जरूरत हो बुखार की जांच के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएं। औरंगाबाद के देही इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, इसी तर्ज पर औरंगाबाद के देही इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं वो निहायत कारगर साबित हुए। इसी के तर्ज पर शहर में भी काम किया जाए ताकि यहाँ इस वबा पर काबू पाया जा सके और इस शहर को रेड जोन से निकाल कर ग्रीन जोन में लाया जाए। उन्होंने औरंगाबाद में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इस जद्दोजहद में मकामी प्राइवेट डॉक्टर्स का तावुन भी हासिल किया जाए, तमाम सरकारी व नीम सरकारी अस्पताल में पूरी सहूलतें फराहम की जाए। सुभाष देसाई ने मीटिंग में जिले में जारी राशन तकसीम के काम और पानी सप्लाई के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि राशन की तकसीम में गड़बड़ी करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पानी और शहर के ऐसे इलाकों में जहाँ पानी सप्लाई ना होता हो पानी सप्लाई में पूरी तनदही से काम किया जाए ताकि शहरियान को सख्त गर्मी के मौसम और कोरोना वबा की वायरस के चलते पानी की कोई परेशानी ना हो। मीटिंग में जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के चीफ ऑफिसर मंगेश गोंदावले, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, देही पुलिस की एसपी मोक्ष द पाटिल, हेल्थ
हेल्थ डिपार्टमेंट और तमाम सरकारी महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। मुसलसल ढाई महीने से जारी लॉकडाउन की वजह से इसका असर माहौलियात पर भी पड़ा है। फिजाई आलूदगी की बड़े पैमाने पर कमी हुई है, जिसकी वजह से मौसम पर भी उसके खुशगवार असरात सामने आए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चार दिनों में शहर में गर्मी की शिद्दत कम होगी। तेज़ हवाओं और बिजली की कड़क के साथ ज़ोरदार बारिश का भी इम्कान है। साथ ही इस साल मानसून भी वक्त पर शुरू होने का अंदाजा जाहिर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में मुसलसिल दो माह से लॉकडाउन जारी है। शहर कस्बे हो या गांव देहात, महसूर कर दिए गए। जमीनी नकल व हरकत के अलावा समंदरी और फिजाई रास्ते भी बंद कर दिए गए। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक अनदेखे वायरस के खौफ ने पूरी दुनिया को जाम कर दिया, और ऐसा पहला मौका है कि दुनिया भर में सड़कें और गलियां वीरान नजर आ रही हैं। वायरस की तबाही के भयानक असरात अब पूरी दुनिया में सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वायरस के खौफ ने एक ऐसा काम भी कर दिया जिसे करना दुनिया की किसी भी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है। वो है बेकाबू ट्रैफिक और सड़कों पर दौड़ती करोड़ों गाड़ियां और कंपनियों की वजह से फिजा में फैल रही जहरीली आलूदगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की फिजा जहर आलूद हो चुकी है। अब कर्फ्यू से फिजाई आलूदगी में काफी कमी आई है और इसका असर मौसम पर भी पड़ा है। फिलहाल मौसम गर्मा उरूज पर है, शिद्दत की गर्मी से लोग बेहाल है, आए दिन पारा चढ़ता जा रहा है। महकुमा मौसमियात के माहरीन के मुताबिक ये मौसम मानसून के लिए बेहद साजगार है। यकुम जून को केरला में मानसून शुरू होने के आसार हैं। महकुमा मौसमियात ने इत्तला जारी की है कि औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में मानसून से कबल ज़ोरदार बारिश का अंदाज़ा है। आइंदा चार दिनों में बिजली की कड़क और तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश हो सकती है, और गर्मी की शिद्दत कम होने से लोगों को भी राहत मिलेगी। महकमा मौसमियात ने इस साल मानसून वक्त पर शुरू होने की भी पेशकयासी की है। चौथे मरहले का लॉकडाउन खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। इस दौरान पूरे शहर पर जमूत तारी है, साथ ही लोगों की जिंदगियां धरम बरहम हो चुकी हैं। मुसीबत में गिरफ्तार शहरियान में अब मजीद सख्तियों को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रही। अब उनमें झिंझलाहट और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनकी सारी तवज्जो इस तरफ लगी हुई है कि हुकूमत अब उनकी राहत के लिए क्या कदम उठाती है। अगला लॉकडाउन नाफिज किया गया तो उन्हें क्या सहूलतें दी जाएगी। चौथे मरहले का लॉकडाउन खत्म होने में अब महज एक दिन बाकी रह गया। बीते चार मरहले कोरोना वायरस की खतरनाक दहशत के साए में इंतहाई तकलीफ व मुसीबत में गुजर गए। हुकूमत के लाख इकदाम, भरपूर वसाइल के इस्तेमाल, मुसलसिल कर्फ्यू के बावजूद ये वबा अब भी काबू से बाहर है। कामकाज, कारोबार और रोजगार के सारे ज़राए बंद हैं। जिंदगी गुजारने और पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आए कहाँ से? कमाई बंद है, जो पैसा था अब खर्च हो चुका। अमीर हो या गरीब, मुसलसिल लॉकडाउन ने सबकी हालत खराब कर दी। अब सबकी निगाहें मरकजी और रियासती हुकूमत के ऐलानात पर टिकी हुई हैं। सबकी जबान पर सिर्फ एक सवाल है, लॉकडाउन खत्म होगा, राहत मिलेगी या मुश्किलात बढ़ जाएगी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि फाखों के खौफ के बावजूद कर्फ्यू में घरों में दुबके रहने वाले शहरियान अब वायरस के खौफ से ज्यादा फाखों के खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मरहले में हुकूमत ने एक तरफ सख्तियाँ बढ़ाई, गुज़श्ता हफ्ते सख्तियों की इंतहा कर दी गई। छह दिन मुसलसिल बिना राहत के कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे शहरियान बेइंतहा परेशान हो चुके हैं। मामला जो ही अदालत में पहुंचा, इंतजामिया ने फौरन कर्फ्यू में राहत का ऐलान कर दिया, लेकिन ये राहत भी मशरूत है। किराना, अनाज और सब्जी तरकारी के अलावा किसी कारोबार की इजाज़त नहीं। शहरियान का कहना है कि अगर वो कामकाज बंद रखकर घरों में बैठे रहेंगे तो ये चीज़ें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। खतरनाक हालात में लोगों और इनके काम कारोबार बंद हैं। इन हालात में जिंदगी कैसे गुजारे? हालात रोज बरोज खतरनाक होते जा रहे हैं। इन हालात में अब लोगों में झिझलाट और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखना यह है कि हुकूमत लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाएगी या आवाम की परेशानियों को देखते हुए कुछ नरमियों के साथ पांचवें मरहले का लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के निफाज के लिए पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है। गुज़िश्ता दो माह में शहर पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वाले अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम उठाए, जिसके नतीजे में कर्फ्यू तोड़ने की जसारत करने वालों से पुलिस ने अब तक 2,26,00,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। 800 से जायद अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 24,000 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बात असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने कही। कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है। लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। आमोदरफ्त पर काबू पाने के लिए गाड़ियों की जब्ती और भारी जुर्माना आयद किया गया। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर FIR भी दर्ज किए गए। गुज़श्ता दो महीनों में पुलिस ने जुर्माने की शक्ल में 2,26,00,000
64,300 रुपए जुर्माना वसूल किया। इस दौरान 24,085 गाड़ी मालिकान को पकड़ा गया। 834 शहरियान के खिलाफ FIR दर्ज किए गए। इसके बावजूद आज भी शहर की सड़कों पर कर्फ्यू के दौरान गाड़ियों की हलचल नजर आती है और पुलिस इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। औरंगाबाद शहरा मध्ये कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव वाढतोय या दृष्टिकोनातून शहरामध्ये 25 मार्च पासून जवळजवळ 2 महिन्यापासून शहरामध्ये लॉकडाऊन आणि संचारबंदी चालू आहे। हा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून शहरामध्ये जागोजागी नाकाबंदी पेट्रोलिंग चालू आहे। जे विनाकारण रस्त्यावर फिरणारे लोक आहेत त्यांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणात औरंगाबाद शहर पोलीस दलाने कारवाई केलेली आहे। जे अत्यावश्यक सेवेसाठी त्यांना सूट देण्यात आलेली आहे, अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी सूट देण्यात आलेली आहे, तरी पण काही लोक रस्त्यावर विनाकारण फिरत आहेत, अशा लोकांवर फार मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी कारवाई केलेली आहे। जे कंटेनमेंट झोन आहेत त्या झोनच्या बाहेर येणं किंवा मध्ये जाणं त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर क्वारंटाईन करण्यात आलेलं आहे काही लोकांना, तेही क्वारंटाईनच्या बाहेर येत असतील त्याच्यावरही आपण 9 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। आणि शहरामध्ये जे अनावश्यक कारण नसताना रस्त्यावर जे लोक येत आहेत त्यांच्यावर वाहन जप्त करून त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। आतापर्यंत शहरामध्ये 2 महिन्यामध्ये 67,784 वाहनावर कारवाई केलेली आहे आणि त्याचा दंड आहे 2,26,64,300 रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना वबा की खौफनाक दहशत के असरात से शहर में इलाज व मुआलजे का निज़ाम बिगड़ चुका है। वबा के खौफ से शहर के बेशतर निजी अस्पताल बंद हैं, लेकिन इस माहौल में कुछ डॉक्टर और अस्पताल ऐसे भी हैं जिनमें वबा के खौफ से ज़्यादा इंसानी खिदमत का जज्बा हावी है। ऐसे ही एक अस्पताल जुलेखा चाइल्ड केयर सेंटर के डॉक्टर मोहम्मद एजाज से एडीएन उर्दू न्यूज़ ने मुलाकात की। डॉक्टर एजाज ने कहा कि आज के हालात में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है। वो अपना काम फ़र्ज समझकर निभाते हैं ताकि बीमार मरीजों का वक्त पर इलाज मुमकिन हो सके। ऐसे डॉक्टर्स की वजह से ही आज माशरे में इस पेशे का एहतराम बाकी है। सारी दुनिया खौफनाक वबा
कोरोना वायरस की दहशत में मुब्तला है। हुकूमतें इस वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। वायरस को रोकने के लिए मुसलसिल कर्फ्यू नाफिज़ है, इसके बावजूद प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स की खिदमात जारी रखी गई। शहर के तमाम मोहल्लों में सैकड़ों प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। MBBS, BUMS, BHMS और BAMS डॉक्टर्स के अलावा कुछ हकीम और वैद्य भी अपने दवाखाने चलाते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में इनका भी अहम किरदार है, लेकिन शहर में कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जहां आज मामूल के मुताबिक तिब्बी खिदमात जारी हैं। ऐसा ही एक अस्पताल चंपा चौक पर है, जुलेखा चाइल्ड केयर सेंटर, शहर का एक मारूफ अस्पताल है। कर्फ्यू और कोरोना वायरस की दहशत के बावजूद इस अस्पताल में मरीजों का मामूल के मुताबिक इलाज जारी है। ADN उर्दू न्यूज ने अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद एजाज से बातचीत की। उन्होंने बताया, इन संगीन हालात में अब अस्पताल में इतवार के दिन भी खिदमात जारी है। लोगों को तिब्बी खिदमात की शदीद जरूरत है। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग की पूरी एहतियात के साथ काम किया जाता है। ऐसे हालात में जब डॉक्टर्स पर भी वायरस का खौफ तारी है और वो अपने फर्ज से मुंह मोड़कर भाग रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद एजाज जैसे डॉक्टर्स ही की वजह से इस मुकद्दस पेशे का नाम हमेशा इज्जत व एहतराम से लिया जाता रहा है। सुबह का जो वक्त होता है जहाँ पर रेगुलर पेशेंट्स आते हैं, कोविड की वजह से दूसरी बीमारियों की तरफ नज़रअंदाजी ना हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए, और चूंकि सभी क्लिनिक्स जो है ये कोविड स्क्रीनिंग सेंटर्स बोल के ही रहते हैं, भले ही गवर्नमेंट उसको अप्रूव ना करो, लेकिन जिस जो बच्चों को बुखार वगैरह आता है उनको हम इवेलुएट करके अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर हमको ऐसा लगता है कि ये कोविड की तरफ जा सकता है तो उनको हम रेफ़र कर देते। तो सभी जनरल हॉस्पिटल्स या स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है ये कोविड स्क्रीनिंग सेंटर्स बोल के भी वर्क कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो हम लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और लोगों को एजुकेट करते हुए हम लोग हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। दोपहर का वक्त जो खासतौर से होता है 2 बजे से लेकर तो 4 बजे तक जब रश कम रहता है, उस वक्त में हम वैक्सीनेशन वाले पेशेंट्स को बुलाते हैं, जो तंदुरुस्त बच्चे रहते हैं जिनको जो है तो ये बीमार बच्चों के साथ में नहीं आना है, तो वो बच्चे भी रेगुलरली आके वैक्सीन दे रहे हैं। इस तरीके से हम बाकायदा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर्स ये कॉमनेस्ट टारगेट रहते हैं ऐसी हालत में, लेकिन चूँकि हमारे को खिदमत देना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सोसाइटी के लोग कहाँ जाएंगे अगर हम यहाँ पे बैठेंगे नहीं, इस डर से घर में बैठे रहेंगे, तो फिर ये जो बच्चे अभी आज आप यहाँ को ये दिख रहे, जैसे मसलन मैं रोज़ 25 से 30 पेशेंट देखता हूँ, तो अगर इनको कोई अटेंड नहीं करेगा तो केओस हो जाएगा, ये सब लोग भागेंगे सरकारी महकमे के हॉस्पिटल्स में और वहाँ पर वो लोगों का बहुत मिसमैनेजमेंट होगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये सब होता है, लेकिन अल्लाह फजल से अगर एहतियात बढ़ती जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है। ये कोई ऐसी हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस अगर रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत आसानी से बच सकते। कोरोना कर्फ्यू की वजह से पैदा हुए संगीन हालात में राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठना की जानिब से ज़रूरतमंदों की मदद का काम जारी है। संगठना की जानिब से सेंट्रल बस स्टैंड पर सैकड़ों मुसाफिरों को खाना और पानी फराहम किया जा रहा है। यह मुसाफिर ST बसों के जरिए रियासत की सरहदों तक पहुँचाए जा रहे हैं। बस स्टैंड पर उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनके खाने पीने का कोई नज़्म नहीं होता। राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन की मदद से ये अब भूखे सफर करने से महफूज हो गए। कोरोना कर्फ्यू की वजह से हालात इंतहाई संगीन है। बेरोजगार हुए गरीबों और मेहनतकशों का इन्हिसार अब सिर्फ लोगों की मदद पर ही है। शहर की मुतादिद सियासी जमातें और इसकी ज़ेली तंजीमें मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना की जानिब से भी जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। संगठना के शहर सदर मयूर सोना ने और उनके कारकुनान सेंट्रल बस स्टैंड पर मुसाफिरों में खाना और पानी तकसीम करते हैं। ST बसों के जरिए बैरून रियासत जाने के लिए सेंट्रल बस स्टैंड पर आने वाले सैकड़ों परेशान हाल मुसाफिरों को रोजाना खाना खिलाया जा रहा है और पानी भी तकसीम किया जाता है। मयूर सोनो ने बताया कि विद्यार्थी संगठना ये काम कर्फ्यू की शुरुआत से कर रही है। पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मदद तकसीम की जाती थी, अब ये काम सेंट्रल बस स्टैंड पर किया जा रहा है और हालात के मामूल पर आने तक जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद की जाएगी। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से जो MP UP के जो महाराष्ट्र से बाहर जाने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए जितना हमसे हो सकता है उतनी उनके लिए पानी की, सबसे ज़्यादा खाने के तो सब कर रहे हैं, अपन खाने के अलावा पानी बॉटल भी उनके लिए एक व्यवस्था कर चुके हैं और खाने का डिस्ट्रीब्यूशन अपन अलग अलग जगह पे, जैसे लॉकडाउन चला है तब से अपना रोज़ का 250 पहले दिन से चले, अभी रोज़ 250 डब्बे टिफिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिलहाल तो संसार नगर में बांटते थे, लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिधर जिधर ज़रूरत पड़ी उधर उधर जैसे कॉल करके पूछते हैं वहाँ पे, वहाँ के हिसाब से बांटते हैं।
क्या नाम आपका? मयूर सोनाने, शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस, औरंगाबाद। यस, अरे भैया डब्बा भी लेके जाओ। मौसम में बरसात शुरू होने से पहले एमएसएबी की जानिब से पूरे शहर में इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर और डीपी की दुरुस्तगी का काम जारी है। सादात नगर के साबिक कारपोरेटर अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद ने यहां इलेक्ट्रिक वायर तब्दील करने का काम अपनी निगरानी में करवाया। पुरानी इलेक्ट्रिक लाइनों से यहां बार बार बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो जाता था, लेकिन इस काम से अब यहां बिजली का सिलसिला बहाल हो जाएगा। मानसून की आमद से पहले एमएससीबी की जानिब से शहर में इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक डीपी की मरम्मत का काम जारी रहता है। राहुल नगर, सादात नगर इलाके में साबिक कारपोरेटर अब्दुल नवीद अब्दुल रशीद की पहल पर ये काम शुरू किया गया है। बारिश के शुरू होते ही तेज हवाओं और बिजलियों की वजह से दरख्त और इलेक्ट्रिक पोल और वायर भी टूटकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली का सिलसिला अक्सर बारिश शुरू होते ही मुनक़ता हो जाता है। रात में ऐसे वाक़ात ज़्यादा होने से मोहल्ले और बस्तियां अंधेरे में डूबी नजर आती हैं। सादात नगर में इलेक्ट्रिक वायर टूटने की शिकायत आम है, इसलिए इस बार मौसम में बरसात से पहले ही इलेक्ट्रिक लाइन और डीपी की दुरुस्ती का काम शुरू किया गया है। साथ ही यहाँ कुछ वायर भी बदले जा रहे हैं। पहले यहाँ तीन वायर की लाइनें थी जिसे निकाल कर एमएससीबी ने यहाँ सिंगल वायर लगा दिया था। लोड बढ़ने से यहाँ बिजली बार बार गुल हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पहले की तरह तीन लाइन के वायर डाले गए हैं ताकि मौसम में बरसात में भी लोगों को बिजली सप्लाई बंद होने की मुसीबत ना झेलनी पड़े। असल में क्या है कि तकरीबन मेरे वार्ड के अंदर जो है पुराने जो एसटीबी केबल बिठाए गए थे, जो मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सर्विस बहुत कम होती है और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि स्लम वार्डों के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है मैंने मतलब एमएससीबी को मतलब एक प्रपोजल बना कर दिया था मेरे लेटर हेड के ऊपर कि सर मतलब मेरे वार्ड के अंदर जो है वारंवार मतलब मैंने तकरार की, मतलब बार बार एमएससीबी के अंदर कि भाई जो एसटीबी केबल अपने को मतलब जो पुराना वाला है उसको चेंज करके वापस जो जूना जो एलटी केबल होता है अपना वो वापस से डाला जाए। वो डालने के बाद में जो है जो समस्याएँ है, जैसे मतलब भाई यहाँ पर मतलब केबल की समस्याएँ तो इतनी हैं कि ज़रा सी अगर हवा भी आती है और बारिश की अगर बूंद भी गिरते हैं तो दो दो चार चार घंटे छः छः घंटे लाइट नहीं होती, जगह जगह पे केबल स्पार्किंग होता है, जगह जगह से वॉइस आती है, आवाज़ मारता है, उसको बार बार छील कर वही रिपेयर करके एमएससीबी के पास में प्रोविज़न नहीं रहती इमीडिएटली काम करने के, तो वही केबल को वापस से जो है मतलब उन्हें अल्टर करके उसको ही वापस से वैसे ही जॉइंट मार के चलाया जाता था। तो मैंने उनको बारम्बार तकरार करने के बाद में आज मतलब मेरे वार्ड के अंदर लगभग 160 प्लस 50 ऐसा 210 मीटर का उन्होंने मेरे को मतलब आज पुराने केबल करने का काम करने का, मतलब जो पुराने जिस टाइप के मतलब केबल होते थे एलटी केबल बोलते हैं जिससे। कोरोना की दहशत से शहर के प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपना अस्पताल बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहर में बीमारों के इलाज में काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है। एमआईएम के ज़िला सदर शेख अहमद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइवेट डॉक्टर्स को मास्क और सैनिटाइजिंग का सामान फराहम करे ताकि प्राइवेट डॉक्टर्स और उनका अमला बेखौफ कदर काम कर सके। एमआईएम के ज़िला सदर शेख अहमद का कहना है कि डॉक्टर्स और तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाला अमला भी इंसान ही है, उन्हें भी अपनी जान का खौफ होता है। हुकूमत ने प्राइवेट अस्पताल चलाने की इजाज़त तो दी, लेकिन उन्हें हिफाजत के लिए कोई साजो सामान मुहैया नहीं किया और ना ही कोई सहूलत दी गई है। शेख अहमद ने मुतालबा किया कि हुकूमत प्राइवेट डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मास्क और सैनिटाइजिंग की सहूलत मुहैया करे ताकि ये डॉक्टर्स बेखौफ होकर अपनी तिब्बी खिदमत जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने ये काम नहीं किया तो एमआईएम की जानिब से प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पतालों को सैनिटाइजिंग और मास्क वगैरह तकसीम किए जाएंगे। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से जो माहौल आज हम पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन ख़ासतौर से मैं अपने शहर औरंगाबाद की बात करूँगा क्योंकि ये औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी आवाम को जो है तो तकलीफें फेस करना पड़ रही है। और साथ ही साथ जैसा आपने बताया है कि जो डॉक्टर्सों को भी जो है तो इसके अंदर तकलीफ आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, छोटे ओपीडीज थे, जो डीएचएमएस हमारे डॉक्टर है, बीएचएमएस है, एमबीबीएस एमडीज के जो हॉस्पिटल्स थे छोटे छोटे जो प्राइवेट चलाते थे, उन्होंने बंद कर दिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। ये सिचुएशन को समझा ही नहीं। इनके अंदर
जैसे कलेक्टर हमारे कलेक्टर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, या घाटी के डीन हो, जो है तो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इनके आपस के अंदर कोई कम्युनिकेशन जो है तो गैप है, इनके आपस में तालमेल नहीं है, जिसका भुगतान औरंगाबाद शहर की आवाम को भी करना पड़ रहा है और तकलीफ जो है तो सारे लोगों को जो है तो फेस करना पड़ रही है और डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है तो लोड आ रहा है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इनके ऊपर लोड तो आ रहा है। इसकी खास वजह यह है कि जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो डॉक्टर्स के अंदर जो खौफ पैदा किया गया है ये वायरस का, ये वायरस देखिए वायरस है, उससे जो है तो नुकसान भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वो जितना पैनिक बताया गया है उतना ज़्यादा पैनिक नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि आज तक करीब करीब 1400 पेशेंट्स में से 60% से 70% पेशेंट्स जो है तो अच्छे हो गए, रिलीफ हुए, मतलब उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है अच्छी होने की और उसके नुकसान जो है तो बहुत ही। इंतजामिया के सख्त इकदाम के बावजूद शहर की राशन दुकानों पर मनमानी कारोबार और लूट खसूट का सिलसिला जारी है। कैसर कॉलोनी के एक राशन दुकान में धांधलियों से लोग परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि इस राशन दुकान से उन्हें मुकर्ररा राशन नहीं दिया जाता। उन्होंने कोरोना वबा के संगीन हालात में ऐसे राशन दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से सारे कारोबार बंद हैं। गरीब और मेहनत कश तबका इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इनकी मदद के लिए हुकूमत की जानिब से राशन के नाम पर बराए नाम इमदाद जारी की गई, लेकिन राशन दुकानदारों की मनमानी और लूटमार की वजह से गरीब शहरियान इस मामूली इमदाद से भी महरूम हो गए। जिला सप्लाई इंतजामिया ने बदउनवानी करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कुछ दुकानें सील भी की गई, इसके बावजूद आज भी कुछ दुकानों पर राशन तकसीम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। कैसर कॉलोनी में वाक़ राशन दुकान नंबर 126 का आज एडीएन न्यूज़ ने जायज़ा लिया। यहाँ लोगों की तवील कतारें नजर आई। कुछ लोगों ने बताया कि हुकूमत फीकस 5 किलो राशन मुफ्त में दे रही है, लेकिन ये दुकानदार राशन कार्ड में दर्ज खानदान के अफराद की तादाद के हिसाब से राशन नहीं देता बल्कि कम राशन देता है और पूछने पर यह कहा जाता है कि इतना ही राशन मिलेगा, तुम्हें जिससे शिकायत करना है कर, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस राशन दुकानदार की धांधलियों और मनमानी से लोग परेशान हैं। जिला इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि इसके खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए। हर महीने का जो राशन है मेरा ये इसके ऑनलाइन के हिसाब से 30 किलो, और मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर तो मेरे को 20 किलो देते हैं और उनको बोले ना तो टैट मारते, बोलते ये बाकी का जो तो हमारा रहता है। क्या बोलते तुम्हारे को? बाकी का जो रहता है हमारा रहता है, बोले ये 20 किलो ही आता, बोले जितना रखता हूँ। अच्छा आपके ऑनलाइन बोले जो करने करो, बोलते उतना आता नहीं, बोले राशन कार्ड राशन आता ही नहीं, बोले। और मेरे कार्ड में जो है तो मेम्बर है 8, और इससे पहले जो मैंने बताया था उनका आधार कार्ड वगैरह सब जमा कराया था, वो जो तो उसके भी 1000 रुपये लिए थे उन्होंने मेरे से राशन कार्ड देने के, तो वो भी जो 1000 रुपये लेके भी नाम ऐड नहीं करे, जो मेरे बहनों के नाम थे वो उसमें से कम करने के थे, मेरे मिसेज का, मेरे भतीजी का, मेरे बेटे का, खुद का नाम ऐड करने का, वो अभी तक नहीं हुआ ऑनलाइन, अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ ये लिखित में उन्होंने डाल के दे दिए सिर्फ। अच्छा हमें ये बताइए, अभी तो फ्री के जो चावल मिल रहे, अगर इसको छोड़ दिए तो आम दिनों में आपको राशन बराबर देते क्या? नहीं नहीं देते, आम दिनों में 30 किलो इसके कार्ड के हिसाब से जो तो 80 किलो होना था, इसके 40 किलो होना था, और वो भी ऐसा देखा तो 20 किलो देते हैं। कितने किलो है ना? अभी 20 किलो की हूँ, 1 किलो दाल। 1 किलो दाल। वैसे आपके राशन कार्ड में कितने लोग हैं? 5 लोग। ऑनलाइन बता रहा 5 लोग। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना से हलाकतों के सिलसिले पर लगा ब्रेक, 951 मरीज हुए सेहतियाब, वेजापुर भी आया वबा की लपेट में। राबता वजीर सुभाष देसाई ने कहा, लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ निकालना बेहद जरूरी, शहर के वार्डों में स्क्रीनिंग कैंप लगाने की दी हिदायत। लॉकडाउन की वजह से फिजाई आलूदगी में आई कमी, गर्मी से जल्द मिलेगी नजात, आइंदा 2 दिनों में हो सकती है जबरदस्त बारिश। और कर्फ्यू के खिलाफ वर्दी करने वालों से वसूल किया गया 2,26,00,000 रुपए जुर्माना। नाजरीन ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।